बॉलीवुड की हवा हवाई गर्ल ने 54 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। इससे देश भर में शोक की लहर चल रही है। सभी इसी शोक में डूबे हैं। आपको बता दें, श्रीदेवी ने अपने 3 दशक के लंबे करियर में करीब 300 फिल्मों में काम किया है। साथ ही आपको बता दें कि ये सिर्फ बॉलीवुड की ही रानी नहीं बल्कि तेलुगु, तमिल, मलयालम फिल्मों की भी रानी थी। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि श्रीदेवी ने 63 हिंदी, 62 तेलुगु, 58 तमिल और 21 मलयाली फिल्मों में काम किया है। इन्होंने हर इंडस्ट्री में अपनी अलग छाप छोड़ी है। 4 साल की उम्र में इन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने सबसे पहले साउथ की फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसके बाद 15 वर्ष की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा। उन्होंने बोनी कपूर से शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली थी, लेकिन लंबे समय के बाद उन्होंने साल 2012 में इंग्लिश विंग्लिश फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर फिर अपना जलवा दिखाया। श्रीदेवी को चालबाज, लम्हे जैसी फिल्मों के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। साथ ही भारत सरकार ने साल 2013 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। हिंदी में इन्होंने 16वां साल, सदमा, तोहफा, मिस्टर इंडिया, जुदाई, रूप की रानी, चोरों का राजा, लाडला, निगाहें, सुहागन, घर संसार, नगीना जैसे फिल्मों से अपना नाम रोशन किया था। उनकी इन फिल्मों से ही इनके किरदार के नाम याद आते हैं और श्रीदेवी हम आपको हमेशा याद करते रहेंगे। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।